कोई इख्त नहीं है पी एच डी में किस चीज़ का इख्तिलाफ है भाई लोगों को हक़ है अपना बोलना ये पार्टी की इशूज़ वो उठा रहे हैं जो जिन, जिन, जिन जिनकी तरफ भी आपका इशारा है वो ये जो हमने बार बार इलेक्शन के बाद कहा है हमने करीब एक सौ अड़तीस से एक सौ चालीस सीटें जीती हैं हमको जीतनी चाहिए थी वन एटी वन एटी फाइव ये चालीस सीटें वो हैं जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाए वेरियस पुल्स एंड प्रेशर्स के तहत नहीं हो पाया वो वो हर किसी पार्टी को नुकसान हुआ हो एक ही पार्टी को नुकसान नहीं हुआ मुझे खुद तीन पार्टी तीन सीटों का नुकसान हुआ तो क्या मतलब है मैं, मैं बाहर में आके शोर शराबा करूं नहीं ये उसके लिए एक फोरम है हम बैठेंगे सब लोग देखेंगे क्या आइंदा के लिए क्या करना है हो गया इलेक्शन हो गया वी है इलेक्शन इन अ वेरी बिग वे हालांकि चालीस सीट और होनी चाहिए थी सो so, इसकी जो खामी पेशी है वो इट विल बी इट विल बी सेट राइट मगर बेसिकली पीएचडी का मेन इशू जो है That is restoration of 370 and 35A. और उस पर हम बाजा तो तो पर है और वो हो के रहेगा तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी आज यही बयान आया है, है दे तो तो इमरान खान साहब और आ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मामला है हमारा मामला ये है कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को जम्मू कश्मीर को तार तार कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपने बांट दिया जिनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है उसको बांट दिया कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की तरफ से टू द दिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जी अभी ये कुछ लोग कहते हैं ये तो कभी होगा नहीं ये तो हल भी नहीं होगा अरे भाई इट्स अ मैटर और यह भाजपा तौर तो जिस तरीके से जैसे आपने इसको उठाया उसी तरीके से आपको यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे जो उसकी टोपी आपने उसके सर से उतारी हमारी बहन का हमारे मां का जो आपने उन, उनका पल्लू हटा दिया उनको आपको वापस देना ही पड़ेगा उसमें कोई दोहराई नहीं है